8 इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है, इसका पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट में मैंने इसके चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया है, और इस पार्ट के अंदर मैं इसके एक्सरसाइज को कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट बुक ओपन कर लीजिए और देखिए एक्सरसाइज। वन वर्ड आंसर देखिए, लिखा है नेम द कैट्स सेंटर ऑफ ऑपरेशन। उनका सेंटर ऑफ ऑपरेशन कहाँ था? उनका सेंटर ऑफ ऑपरेशन था विक्टोरिया। वो कहाँ रहते थे? विक्टोरिया के अंदर, ये उसका सेंटर था। नेम एनी वन प्लेस वेयर कैट्स वर वेल नोन। आपको एक या तीन प्लेस के नाम यहाँ पर थे हमारे पास, जिसमें से वो जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा फेमस थे, जहाँ पे लोग उनको ज़्यादा जानते थे। वो कौन कौन सी जगह थी? वो थी कार्नवॉल गार्डन, लॉन्सेस्टन प्लेस एंड कैनसिंगटन स्क्वायर। इनमें से आपको किसी एक का नाम लिखना है, तो हम लिख रहे हैं कार्नवॉल गार्डन। आपको बुक में स्पेलिंग मिल जाएगी यहाँ पे कुछ, अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा तो। व्हाट वॉज फाउंड अजार? अजार का मीनिंग होता है हाफ ओपन। क्या आधी आधा खुला हुआ था? तो विंडोज। व्हाट डिड वन ऑफ द गर्ल्स लॉस आफ्टर सफर, मतलब डिनर के टाइम पर उन लड़कियों में से एक का क्या गुम गया था? तो हमने देखा था वुलवर्थ पर्ल्स, एक पर्ल का नेकलेस। फिफ्थ वाला, व्हाट वॉज मिसिंग फ्रॉम संडे डिनर? संडे डिनर में क्या मिस था, मतलब क्या खाने वो जा रहे थे और क्या गायब हो गया था? तो अर्जेंटाइन जॉइंट। वेयर वॉज द लाउड क्रैश हर्ड फ्रॉम, जो तेज क्रैश होने वाली साउंड है वो कहाँ से आई थी, कहाँ सुनी गई थी? पेंट्री कबर्ड के पास में, वहाँ पर सुनी गई थी। बी वाले का आंसर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में, जहाँ पर आपको सुटेबल वर्ड्स को फिल करने हैं या फ्रेज को फिल करना है पोएम के अंदर से। तो फर्स्ट का आंसर, मंगोजेरी एंड रंपल टीजर वर वेरी नोटोरियस कैट्स। रोविंग वॉज देयर इनक्यूरेबल टेंडेंसी। रोविंग का मतलब इधर उधर घूमना और उनको कहीं जाने से रोकना, ये उनकी एक टेंडेंसी बन गई थी, उनकी एक आदत बन गई थी। टू कैट्स वर ग्रेट ग्रेट बर्गलर्स एज वेल। ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बर्गलर्स थी। बर्गलर मतलब चोर। ये स्किलफुल कैट्स होने के साथ साथ चोर भी थी, कहने का मतलब ये है। देयर गिफ्ट ऑफ द गैब हेल्प देम इंगेज। उनका जो बातचीत करने का तरीका था, वो क्या करता है, एक फ्रेंडली पुलिसमैन के को अपनी बातों में उलझा लेते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा स्किलफुल है कि वो पुलिस वाले को अपनी बातों में ले लेते हैं, यहाँ तक कि वो चोर थे, जबकि चोर को पुलिस वाला छोड़ता नहीं है, फिर भी वो उनके फ्रेंड बन जाते हैं, इतना अच्छी स्किलफुल थी वो बात करने में भी। फिफ्थ वाला देखो, द कैट्स वुड गो थ्रू द हाउस लाइक अ, मतलब जब घर से निकलते तो किस तरह से निकलते हैं वो, एक तूफान, आंधी तूफान, स्टॉर्म की तरह। तो वहाँ पर इसका नाम क्या था चैप्टर में? हरिकेन। एक हरिकेन की तरह तेज़ हवा का झोंका और निकल गए घर से बाहर। सिक्स वाला, मोस्ट पीपल डाउटेड, बहुत सारे लोगों को डाउट था क्या, दैट इट वॉज मंगोजेरी और रंपल टीजर, बट देयर वॉज नथिंग टू बी डन अबाउट देम। मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट था कि ये चोरी या सब किसने किया, मंगोजेरी ने किया या रंपल टीजर ने किया, पर वो भले पता भी चल जाए ना तो भी लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ रेपुटेशन डिड मंगोजेरी एंड रंपल टीजर हैव। इनकी किस तरह की, मतलब वो थी रेपुटेशन वहाँ पर? तो देखो आंसर में, मंगोजेरी एंड रंपल टीजर वर वेरी नोटोरियस, बहुत ज़्यादा नोटोरियस कपल ऑफ कैट्स थे, ये शरारती थे। एंड दे हैड एक्सटेंसिव रेपुटेशन एज नॉक अबाउट क्लाउंस, मतलब उनके रेपुटेशन में क्या क्या ऐड था, क्या क्या क्वालिटी सेट थी, ये क्लाउन बन सकते थे, क्विक चेंज कमेडियंस, कमेडियन बन जाते फटाफट, टाइट रोप वॉकर्स थे एंड एक्रोबेट्स इनको आता था। ये सारी क्वालिटी से इसलिए इनको हम इनको इनको एक्सटेंसिव रेपुटेशन मिली थी, लोगों से अलग ही पहचान थी मतलब लोगों के बीच में इनकी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द रूफ सीज टू बी वाटर प्रूफ। सीज टू बी वाटर प्रूफ का, सीज टू बी का मीनिंग होता नहीं रह जाना। तो उनकी जो टाइल्स लगी थी छत के ऊपर की, वो वाटर प्रूफ अब नहीं रह गई थी, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको जो बताया था कि जब वो टाइल के ऊपर मस्ती करते हैं, चढ़ते हैं, तो वो टाइल ढीली हो जाती है, फिर वो वाटर प्रूफ नहीं रहती, उनके अंदर से वाटर लीकेज हो जाता है। तो आंसर देखो, द रूफ टाइल सीज टू बी वाटर प्रूफ एज अ टाइल और टू हैड कम लूज ड्यू टू मिस्चीफ ऑफ द कैट्स। मतलब एक दो टाइल ढीली हो जाती है उन शरारती बिल्लियों के कारण से, और वो वाटर प्रूफ नहीं रह जाती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द कैट्स हाईली एफिशिएंट बर्गलर्स। उन कैट के अंदर ऐसा क्या था, क्या स्किल थी जो उनको सबसे ज़्यादा स्किलफुल चोर बना देती है? तो देखो उनके अंदर क्या क्या स्किलफुल थी, किस तरह की स्किल्स थी। देखो, द कैट्स वर हाईली एफिशिएंट बर्गलर्स ड्यू टू देयर रिमार्केबल स्किल ऑफ स्मैश एंड ग्रैब।
मतलब उनके अंदर ये वाली स्किल थी कि वो चीज़ों को या तो लेके चली जाती थी या उनको तोड़ करके चली जाती थी, इसलिए उनको बर्गलर्स बोला है यहाँ पर, चोर डाकू की तरह। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द कैट्स मैनेज टू बी फ्रेंड अ पुलिसमैन? वो कैट किस तरह से पुलिसमैन के भी दोस्त बन जाते थे, कैसे मैनेज करते उस चीज़ को? आंसर, द कैट्स मैनेज टू बी अ फ्रेंड टू बी फ्रेंड अ पुलिसमैन बिकॉज दे वर प्लॉसिबल फेलोस एंड हैड अ वेरी अनयूजुअल गिफ्ट ऑफ द गैब। प्लॉसिबल का मीनिंग होता है बिलीवेबल, वो इतने बिलीवेबल पर्सन थे और उनके पास एक असाधारण सी बात करने वाली टेक्निक थी, अनयूजुअल गिफ्ट ऑफ द गैब, जो भगवान से गिफ्ट था कि वो किसी भी से भी बात कर लेते थे और अपनी बातों में उनको उलझा लेते थे, इसलिए वो किसके पुलिस वालों को भी अपनी बातों में उलझा करके अपने दोस्त बना लेते थे। फिफ्थ, व्हाट हैड द फैमिली प्लान फॉर संडे डिनर? ये तो सभी को पता होगा, फैमिली मेम्बर ने संडे को क्या खाने के लिए प्लान किया था? तो द फैमिली हैड प्लान टू ईट अर्जेंटाइन जॉइंट पोटेटोस एंड ग्रीन्स वेजिटेबल फॉर संडे डिनर। उन्होंने तीन चीज़ें खाने के लिए प्रिपेयर की थी उस दिन, एक तो मछली का जॉइंट, अर्जेंटाइन मछली का जॉइंट, आलू और ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन वो मिली क्या उनको? नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डिड द कुक पोस्टपोन संडे डिनर? कुक ने संडे का डिनर क्यों पोस्टपोन कर दिया, क्यों टाल दिया कि भैया तुम आज नहीं खाना खाओगे तुम्हें तो कल खाना मिलेगा, ऐसा क्यों बोला था? तो देखो आंसर, द कुक पोस्टपोन संडे डिनर बिकॉज द जॉइंट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द ओवन बाय द मिस्चीवियस कैट्स। क्योंकि किचन के अंदर जो ओवन रखा था खाना पकाने का बर्तन, उसके अंदर से उन बिल्लियों ने वो अर्जेंटाइन जॉइंट्स गायब कर दिया था, वो लेकर चली गई थी, इसलिए उसने बोला कि भैया आज खाना नहीं मिलेगा, सोमवार कल खाना खाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट फेवर्ड द कैट्स इन देयर ऑपरेशन? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्होंने ऑपरेशन करते समय, मतलब उनके काम को अंजाम देते समय, चोरी करते समय उनका साथ दिया? तो हमने देखा था ना, एक तो लक और एक वेदर, दो चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने उसका साथ दिया। देखते हैं, सम ऑफ द टाइम द कैट्स वर फेवर्ड बाय लक एंड वेदर इन देयर ऑपरेशन। कभी कभी उनका लक और वेदर ने उनको ऑपरेशन में साथ दिया। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट ऑथ कुड नो सोबर पर्सन टेक एंड वाई? कोई भी सज्जन व्यक्ति कौन सी कसम नहीं खा सकता और क्यों नहीं ले सकता, मतलब कौन सी कसम तो नहीं ले सकता और क्यों नहीं ले सकता, ये बताना है। तो नो सोबर पर्सन कुड टेक द ऑथ इफ इट वॉज मंगोजेरी और रंपल टीजर, मतलब ये वाली नहीं बता सकते कि ये मंगोजेरी है या रंपल टीजर है, और क्यों नहीं ले सकता ये कसम? बिकॉज दे वुड गो थ्रू द हाउस लाइक अ हरिकेन एंड इट वॉज हार्ड टू आइडेंटिफाई देम, मतलब वो तूफान आंधी की तरह आते हैं घर में और तूफान की तरह चले जाते हैं और कोई भी उनको पहचान नहीं पाता है। जब पहचानेंगे नहीं तो कसम खा के क्या बोल सकते हैं कि भैया कौन है इसमें से, बता दूं क्या? ऐसा नहीं होगा। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड कॉज द लाउड पिंग डाउन फ्रॉम द लाइब्रेरी? मतलब कौन लाइब्रेरी के अंदर जो तेज पिंग की आवाज़ है उसका कारण कौन है, कौन करता है? आंसर है, द कैट्स मिस्चीफ विद द मिंग वेस वुड कॉज द लाउड पिंग डाउन फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब वो शरारती बिल्लियों की शरारत के कारण वो जो चीनी का वेस होता है गमला वो नीचे गिर जाता है और उसके गिरने से कैसी आवाज आती है, पिंग करके। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट वुड द फैमिली यूजुअली से टू द मिस्चीवियस ऑफ द कैट्स, मतलब मिस्चीफ्स ऑफ द कैट्स, जो बिल्लियों की शरारतें होती हैं उनके लिए फैमिली मेम्बर क्या कहते हैं बार बार? तो द फैमिली वुड यूजुअली से इट्स द हॉरिबल कैट, इट वॉज मंगोजेरी और रंपल टीजर। ये वही हॉरिबल कैट्स हैं, इनकी वजह से ये सारा काम हुआ है, और कौन कौन सी है, या तो मंगोजेरी है या फिर रंपल टीजर, एंड दे वुड जस्ट गो जस्ट लीव इट एट दैट, और वे सब बोलते चलो रहने दो जाने दो, जो कर दिया वो हो गया। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद में ये कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों, इसमें ओमोनोटो पीओ आपको फील करना है, मतलब एक ऐसा वर्ड होता है ये वर्ड जो कि साउंड से ही किसी एनिमल के बारे में बता देता है, जैसे चिर्प कौन करता है, बर्ड्स करती है, और म्याओ कौन करता है, बिल्ली। तो इस वर्ड से ही, अगर वर्ड से ही किसी एनिमल या बर्ड के बारे में पता चले तो ऐसे वर्ड्स को ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो आपको ये फील इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, आप लोग देख लेना, और ये सारे साउंडिंग वर्ड है, ग्राउल, क्रैकलिंग, रसल, क्लिप, क्लॉपिंग, चिरपिंग, क्रंच, रिंगिंग, बीपिंग, नोकिंग एंड यैपिंग, ये सारे साउंडिंग वर्ड हैं और ये सब इसमें फील हो गए हैं, कुछ मीनिंग भी लिखे हैं मैंने, इनको देख लीजिए और कर लीजिए, और इस तरह से आपका चैप्टर टू एक्सरसाइज के साथ पूरा फिनिश। वीडियो दमदार है, सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना,
और वेट करना थर्ड लेसन के लिए, तब तक के लिए बाय।